हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अविनाश स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बरसात की शुरुआत हो चुकी है और बरसात में रेल नली का जो रंग है, अपरूप है, आप बिखरना शुरुआत कर दी अपना अपनी सौंदर्यता को बिखेरते हुए। बरसात की बूंदें जब उसके फूलों पर जब पड़ती है तो उसकी सुगंध तो नहीं होती उसमें, लेकिन अपनी रंग बिरंगी फूलों से काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है अपने गार्डन पे, जो कि काफ़ी अलग होता है और हटके होता है, लेकिन बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। अप्रैल में मैंने इसके बल्ब को लगाया हुआ था और अभी आप देख सकते हो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलता है, तेज़ी से मिलता है। बस गार्डन सॉइल में से अच्छी डालनी चाहिए। बरसात के दिनों में जब इसे खिलना है तो जाहिर सी बात है मिट्टी पोरस होनी चाहिए। आप देख सकते हो एक ही बार में इतने सारे येलो खिले हुए हैं, क्योंकि मैंने इसमें 100-150 से ऊपर करीब बल्ब लगा रखा है इसमें। आप देख सकते हो इस पिक्चर में मैंने कितने सारे बल्ब लगा रखे हैं। सारे मेच्योर प्लांट हैं, सारे मेच्योर बल्ब हैं। मेरे पास कई सारा एक्स्ट्रा सीड्स भी है, अप्रैल में लगाया और ये रहा बरसात के समय में। बरसात से पहले रिपोर्ट करने से ये बेनिफिट मिलती है हमें कि जब ये खिलते हैं सारे पौधे एक साथ खिलते हैं, जिसका दृश्य काफ़ी अलग होता है। वैसे तो ये रैंडमली एक के बाद एक खिलते रहते हैं। एक बार फ्लावरिंग होने के बाद से फिर से फ्लावरिंग होगा, उस बॉल में कई सारे फ्लावरिंग होंगे, लेकिन जब एक साथ खिलते हैं तो उसका जो लुक आता है गार्डन में आपके, एकदम मोहित कर देता है आपको। इसीलिए मैंने इसको रिपोर्ट किया। इसके कई सारे वैरायटी होते हैं, पिंक, येलो, वाइट, लेकिन येलो जो वैरायटी होता है काफ़ी फूल काफ़ी छोटे होते हैं, और पिंक वैरायटी और वाइट वैरायटी, पिंक सबसे बड़ा वैरायटी होता है इसका, काफ़ी बड़े बड़े फूल होते हैं पिंक वाले के। इसके फ्लावरिंग के बाद तुरंत इसमें बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप कुछ दिन छोड़ दोगे, ऐसे छोड़ देते हैं तो उसी स्टेम में टॉप पे जहाँ फ्लावरिंग हुआ होता है वहीं पे बीज तैयार हो जाते हैं, और कुछ दिन छोड़ना होता है जिससे और काले या खुद से कुछ फटने लगते हैं, तब तो बीज मेच्योर हो चुके होते हैं, तब उसे कलेक्ट करें ताकि आपका जो पौधा होगा भविष्य में और काफ़ी मेच्योर होगा। एक और चीज़ है दोस्तों, फ्लावरिंग होने के बाद से हमें उसके जो मेन स्टेम होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ जंगल की तरह ही रहता है, वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हमें उसे तोड़ कर निकाल देनी चाहिए। आप देख सकते हो दोस्तों कि इतने सारे फूल खिले थे मेरे एक छोटे से पॉट में। आप देख सकते हो, आप कह सकते हो कि कितने सारे, हर स्टेम एक एक फ्लावर के बराबर है, इतने सारे, क्या गिन के बता सकते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने होंगे ये। बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत रहता है। इसे कहते हैं सुकून। जब ये खिलता है एक अलग ही सुकून मिलता है, जो सिर्फ एक गार्डनर ही समझ सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।